शामिल नहीं होंगी तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि जो आंदोलन जिस मिशन में हम लोग लगे हुए हैं वो सफल हो तो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को बाहर जरूर निकाले। देखिए हमारे साथ ये लड़की नेहा है, ये बेबी मुस्कान है, हालांकि उम्र में बहुत छोटी है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन सीख रही है। अभी जून की छुट्टियों में भी तो वैसे घर पे रहते, कम से कम समाज के लोगों के बीच में जाते, कुछ सीखने को मिलता है। हमारी एक और बहन है नरवाना से नेहा, हम लगातार ये है हमारे साथ, इनके पापा जी है, मेरे पापा जी साथ में, हमारी पूरी 15-20 मेंबर एक साथ हैं, सभी जॉब पे हैं, 6 लाख रुपए में तनख्वाह लेते हैं लेकिन फिर भी समाज के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समाज का दर्द पता है। और सिर्फ हमारे ये फायदा नहीं भाई, सिर्फ हमें समाज का दर्द महसूस हो, आप भी उस दर्द को महसूस करो। और ये तो पतरेड़ी गांव है, यहाँ पे तो पहले ही एक केस आ रहा है, क्रांतिकारी लेडी। हाँ चलो क्रांतिकारी आपको बता रही हूँ, तभी क्रांति फैलेगी सभी में। कि सिर्फ कोई भी ज्ञान अपने तक सीमित मत रखो, दूसरों को भी बताओ ताकि अपनी दूसरी महिलाएं भी बाहर निकल के आए। और अभी संविधान के बारे में हमने बातचीत की थी, देखिए संविधान वही किताब है जो बाबा साहब ने लिखी, जिसकी बदौलत आज हम सब यहाँ पे खड़ी हैं। क्योंकि अगर संविधान ना होता, संविधान में हक ना होते महिलाओं को, तो हमारी कोई औकात नहीं थी हम यहाँ पे आदमी के बराबर खड़े हो जाएं, हमारी कोई औकात नहीं थी कि एक लड़की यहाँ पे आपके बीच में बोल सके। तो इसलिए हम जय भीम बोलते, इसलिए बाबा साहब की जय बोलते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक बराबरी का दस्तावेज लिखा, उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, जो संविधान है वो सभी अधिकार महिलाओं को देता है, जो सभी अधिकार आदमी को है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और इन पर अमल भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी को जय।